अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 64 और टॉपिक हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसका फर्स्ट पोर्शन हमने डिटेल के साथ स्टडी किया, जिसमें हमने जो है कैलेक्स, क्रोला और एंड्रोशियम को डिटेल के साथ रीड किया। आज हम जो है वो डिस्कस करने लगे हैं यानी उसके अंदर यानी गाइनोशियम यानी जो फीमेल पार्ट होता है, फोर्थ वोल्ड जो होता है, उसको हम यानी आज डिटेल के साथ रीड करने लगे हैं। और साथ ही हमने डबल फर्टिलाइजेशन का शॉर्ट क्वेश्चन और उसकी डायग्राम जो है वो देखनी है। तो क्लास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाइनोशियम, गाइनोशियम कहते हैं फोर्थ वोल्ड को। फोर्थ जो वोल्ड होता है इसको कहते हैं गाइनोशियम, और जो गाइनोशियम है इसके इंडिविजुअल यूनिट को हम नाम देते हैं कार्पल का। और जो गाइनोशियम है ये फीमेल पार्ट है प्लांट का, फीमेल पार्ट प्लांट का, या आप कह सकते हो फ्लावर का। क्लास जो हमारे पास गाइनोशियम है उसके तीन पोर्शन होते हैं। अगर हम बात करें कार्पल के तो इंडिविजुअल कार्पल के तीन पोर्शन होते हैं। बेसल पोर्शन जो होता है इसको कहते हैं ओवरी, मिडिल पोर्शन इसको स्टाइल, अपर पोर्शन जो होता है इसको कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन तीनों को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं कार्पल का। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, ओव्यूल एक से भी एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मैगास्पोर मदर सेल्स या मैक्रोस्पोर मदर सेल्स, मैक्रोस्पोर मदर सेल्स, जो कि मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, दीज आर मैक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले यहां कार्पल तक रीड कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट। अच्छा जी, गाइनोशियम क्या है? गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट जी कार्पल, कार्पल क्या है? द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द गाइनोशियम इज कॉल्ड कार्पल। कार्पल जो है वो क्या, किसे कहते हैं? इंडिविजुअल यूनिट को कहते हैं। किसके इंडिविजुअल यूनिट को? गाइनोशियम के। उसके बाद देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ कार्पल, कार्पल के तीन पार्ट्स हैं जो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर है क्लास? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी ओवरी क्या है। ओवरी इज द बेसल पोर्शन विद द स्वोलन पोर्शन इन विच द ओव्यूल आर प्रेजेंट इज नाउन एज ओवरी। ओवरी वो पार्ट है जो के रिसेप्टेकल के साथ जो उसको अटैच करवाता है, थैलमस के साथ। उसके बाद है जी स्टाइल, स्टाइल कहते हैं मिडल ट्यूबुलर पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल विच इज प्रेजेंट बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। और ये ट्यूब्यूलर होता है, इसमें से पोलन ट्यूब पास होकर नीचे जो है वो जाकर फर्टिलाइज करती है एग और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को। उसके बाद है क्लास हमारे पास स्टिग्मा, स्टिग्मा जो कहते हैं अपर पार्ट विच कैच द पोलन ग्रेन्स, यानी ये वाला पार्ट जो कि पोलन ग्रेन्स को जब एंथर से आते हैं तो उनको कैच करता है, उसको हम कहते हैं स्टिग्मा। क्लियर हो गया। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हमारे पास तीन पार्ट हैं जिनको हम कहते हैं कार्पल। उसके बाद क्लास हम नेक्स्ट देखते हैं ओव्यूल। व्हाट इज ओव्यूल? ओव्यूल इज द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, और ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और ओव्यूल के अंदर जो है मैक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं जिन्होंने मियोसिस करके मैक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने होते हैं हैप्लॉइड। तो मैं यहां पर पहले आपको डायग्राम से समझा देता हूं, फिर हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो क्लास ये हमारे पास ओवरी है, ओवरी को मैंने यहां बाहर निकाल दिया है, तो इन इस सेल को कहते हैं अब बाहर ओवरी है और अंदर ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर मैक्रो स्पोर, मैक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। मैक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर होती है मियोसिस, मियोसिस के बाद प्रोड्यूस होते हैं एग, और बाकी जो तीन सेल्स होते हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं, ओनली वन सेल्स मैच्योर।
अब जो एग सेल होता है ये थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है। उसके बाद इस एग सेल के अंदर होती है माइटोसिस और इसके साथ प्रोड्यूस होते हैं एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। अब बेसिकली ऊपर आपको जो तीन स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं एंटीपोडल्स। दो हमारे पास हैं साइनर्जिड्स और एक जो आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं हम एग। और दो सेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं उसको कहते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब आपकी बुक में एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का बताया गया है, बाकी एंटीपोडल और साइनर्जिड्स के बारे में नहीं बताया गया। तो आप याद रखेंगे कि जब हमारे पास मैक्रोस्पोर के अंदर माइटोसिस होती है तो माइटोसिस के बाद एग बनता है और उसके साथ ही एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम नाम देते हैं। इनमें एक का नाम एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का दिया गया है, बाकी साइनर्जिड्स और एंटीपोडल्स का नाम नहीं दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे। अब ये कंप्लीट जब डिवेलप हो जाते हैं तो इसको कहते हैं फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन। फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन जब फुली डिवेलप होगी तो उसमें एक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा, तीन एंटीपोडल और दो साइनर्जिड्स होंगे। क्लियर जी। उसके बाद अब क्या होगी, नेक्स्ट होती है फर्टिलाइजेशन। अब हम यहां तक पहले रीड कर लेते हैं। मैक्रोस्पोर इज डिवेलप इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन, यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन में मैक्रोस्पोर ने डिवेलप होना होता है। और कैसे होता है डिवेलप, इसको रीड करते हैं। ड्यूरिंग द मैक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस मैक्रोस्पोर एंड मैक्रोस्पोर अंडरगो माइटोसिस एंड प्रोड्यूस वन एग सेल विच इज लार्ज साइज एंड सम एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स विच इज गिवन इन योर बुक इज फ्यून न्यूक्लियस एंड द अदर नेम्स आर साइनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स एंड दिस वन एग सेल एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स मेक द फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर हो गया क्लास। अच्छा जी, अब हमारे पास ओवरी के अंदर क्या बन चुका है, फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस हो चुकी है और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। और हर पोलन ग्रेन में आपने पढ़ा था तीन न्यूक्लियस होते हैं जिनमें दो स्पर्म न्यूक्लियस होते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, तो हम इसको कहते हैं पोलन ग्रेन। अब क्या होता है, हवा के जरिए या इंसेक्ट के जरिए पोलन ग्रेन चले जाते हैं, यानी यहां से उड़कर चले जाते हैं स्टिग्मा पर, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन मीन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन के बाद क्या होता है, अब जो इसके अंदर पहुंच जाता है हमारे पास पोलन ग्रेन, अब इसमें जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है क्लास, जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो आगे बनाता है पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब जो है ये सेफ ट्रांसफर ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस को फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन में करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब क्या होगा, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा एक ट्यूब बनाएगा, इसी को मैं आगे डिवेलप कर देता हूं। अब ये स्ट्रक्चर को कहते हैं पोलन ट्यूब, जो जाकर नीचे वाले पोर्शन से एंटर हो जाती है। दिस इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। क्लियर हो गया। अब जो पोलन ट्यूब है इसके जरिए जो स्पर्म न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट है ये डाउनवर्ड मूव करते हैं, यानी स्पर्म न्यूक्लियस इसी के अंदर से मूव करते हुए नीचे से नीचे मूव करते जाएंगे और यहां पहुंच जाएंगे। अब हमारे पास दो स्पर्म न्यूक्लियस हैं, इनमें से एक स्पर्म न्यूक्लियस, यानी मैं इसी को थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूं, मिसाल के तौर पर नीचे हमारे पास दो स्पर्म न्यूक्लियस पहुंच चुके हैं, इन्होंने माइक्रोपाइल से एंटर होना होता है, हाइलम भी कहते हैं। अच्छा, एक जो हमारे पास स्पर्म होता है वो जाकर एग के साथ फर्टिलाइज होता है, यानी स्पर्म न्यूक्लियस प्लस एग, तो ये दोनों करते हैं फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन हो गई स्पर्म प्लस एग और ये बनाते हैं आगे, यानी दो हमारे पास स्ट्रक्चर मिलके तो ये बनाते हैं जाइगोट। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट,
दूसरा सेकेंड स्पर्म न्यूक्लियस जो होता है ये आगे जाकर फर्टिलाइज करता है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करता है और ये बनाता है ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। ये फ्यूजन न्यूक्लियस होगा। फ्यूजन न्यूक्लियस किसके साथ फर्टिलाइज होगा? एंडोस्पर्म यानी कि स्पर्म के साथ, और ये बनाएगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यानी स्पर्म प्लस फ्यूजन न्यूक्लियस बनाते हैं 3N एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसके बाद अब ये देखिए, इसमें दो फर्टिलाइजेशन हुई, एक स्पर्म और एग की, दूसरा स्पर्म और फ्यूजन न्यूक्लियस की, तो इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन होती है, क्लियर? एक कौन सी? स्पर्म और एग की, और दूसरी स्पर्म न्यूक्लियस और फ्यूजन न्यूक्लियस की। तो इसके बाद हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि प्लांट्स के अंदर दो बार फर्टिलाइजेशन हुई है, तो हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद अब जाइगोट जो होता है इसने डिवेलप होना होता है एम्ब्रियो के अंदर, और ओव्यूल जो ओवरी के अंदर होता है इसने डिवेलप होना होता है सीड के अंदर, और जो ओवरी होती है इसने डिवेलप होना होता है आगे फ्रूट के अंदर, और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ने आगे डिवेलप होना होता है एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर, जो कि फ्यूचर जब सीड जर्मिनेट होता है तो उस दौरान एंडोस्पर्म टिश्यू जो होता है ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इसमें फूड स्टोर होती है, ऑयल हो गया, लिपिड्स हो गए, फैट्स वगैरह इसमें स्टोर होते हैं, जो कि एम्ब्रियो को ड्यूरिंग जर्मिनेशन जो है वो दी जाती हैं। तो ये हमारे पास प्रोसेस था, मैकेनिज्म था डबल फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद हमने जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं आखिर में वो हमने डिटेल के साथ देखा। तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।